नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय अंजनिया में कार्यकर्ताओं की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष विनोद पटेल और क्षेत्रीय बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष विनोद पटेल ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पार्टी के लिए काम करने की बात कही। कार्यकर्ताओं को लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे आने का आह्वान किया। ब्लॉक अध्यक्ष पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार में हर जगह सरकार से जुड़े दलाल और कमीशनखोरी करने वालों की फौज तैयार है। किसानों को दर दर भटकने पर भी समय पर खाद बीज नहीं मिल सका। ऐसी सरकार से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए हमें तैयार रहना होगा। विधायक नारायण सिंह पट्टा ने प्रदेश के शिवराज की भ्रष्ट सरकार की नाकामी के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धि बताई। नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हर जगह लूट खसोट मची हुई है। आम लोगों की बात पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य सहित कोई विभाग सुनने को खाली नहीं है। बिजली का घोषित कटौती और आग में चोली से आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद पटेल के अथक प्रयास और एक कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर क्षेत्र के युवाओं ने बड़ी संख्या में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिनका तिलक और माला से विधायक नारायण सिंह पट्टा ने पार्टी में स्वागत किया। इस बीच बड़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण करने वाले युवा और कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद पटेल जी की अगुवाई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। हमारे बहुत से युवा साथियों ने कांग्रेस की विचारधारा से होकर के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया है। साथ ही ये अंजनिया हमारा हवेली क्षेत्र है। आज काफी लंबे समय से अंजनिया क्षेत्र के लोगों को महाविद्यालय की मांग थी और उनके मांग और उनके अथक प्रयास से अंजनिया में महाविद्यालय खुला। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के 52 कॉलेजों को बंद करने का प्लान किया हुआ था, जिसको लेकर के हम कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सरकार से आग्रह किया। बजट भाषण में हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महाविद्यालय खोले हुए हैं उनके बारे में अवगत कराया और सरकार ने गंभीरता से लिया, और जहां पर भवन विहीन महाविद्यालय हैं वहां पर हम लोगों ने भवन निर्माण की मांग की। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे अंजनिया में जो महाविद्यालय संचालित है उसके लिए 4,34,78,000 रुपये की स्वीकृति मिल चुका है और यहां पर विद्यालय के लिए जमीन भी ग्राम पंचायत के द्वारा और यहां के प्रबुद्ध जनों के द्वारा चयनित किया जा चुका है। आज मैं और साथियों के साथ हम विद्यालय भी जाएंगे। वहां पर जो अभी प्रवेश प्रारंभ है, इस बार जो शिक्षा विभाग के परिणाम रहे हैं वो 100% रहे हैं। इस वास्ते हम कॉलेज प्रबंधन से आग्रह करेंगे कि जो 12वीं में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे पास हुए हैं उनका 100% प्रवेश अंजनिया महाविद्यालय में ही होना चाहिए, ताकि हमारे यहां का स्ट्रेंथ बढ़े, हम आगे भी और विषयों की मांग कर सकें, जिससे हमारे क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके। आगामी 5 तारीख को यहां पर जो बिजली की किल्लत हमारे किसानों को, ग्रामीणों को और ग्रामीण क्षेत्र में जो भुगतने को मिल रहा है, कटौती के नाम पर, सुधार के नाम पर सप्ताहों विद्युत नहीं रहती और
और अनाप शनाप बिल उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में हम 5 तारीख को बिजली ऑफिस के सामने टॉप कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी और ज्ञापन देगी, साथ ही मध्य प्रदेश की शासन को चेताएगी। विद्युत विभाग को हम एक सूचना देंगे कि यदि अगर बिजली में सुधार नहीं हो पाया और जिस तरह से बिजली को मध्य प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों को देकर के उपभोक्ताओं को जो लूटने का काम कर रही है, वो अपना निर्णय वापस ले और उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली के दामों में राहत दे, कि हमारी मुख्य रूप से मांगें हैं।